सावन माह के शुरू होते ही प्रथम सोमवारी पर भक्तों की अपार भीड़ सभी भोलेनाथ के मंदिरों में उमड़ पड़ी है। पहलेजा घाट से 75 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर में कांवरिये आकर रात के 12 बजे के बाद से ही यहां पर जलार्पण करना शुरू कर दिए हुए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो हुजूम है वो रात के 12 बजे से ही वो दिख रहा है। ये मंदिर प्रशासन जिला प्रशासन की ओर से अर्घा मंदिर के बाहर अर्घा की व्यवस्था की गई है। अर्घा के माध्यम से जो भी कांवरिये हैं, जो भी शिव भक्त हैं, जो स्थानीय भी हैं, वो लोग अपना जलार्पण कर रहे हैं। काफ़ी की संख्या में सेवा दल के सदस्य जिसमें पुरुष और महिला काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, ताकि कोई भी महिला श्रद्धालु जो भी हैं उनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसको ध्यान में भी रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल के साथ साथ जिला प्रशासन के कई सारे अधिकारियों को इस व्यवस्था में लगाया गया है। कई सारे स्वास्थ्य शिविर खोले गए हैं, टेंट सिटी खोला गया है, ताकि कोई कांवरिया अगर आते हैं तो वहां पर चाहे तो आराम कर सकते हैं, साथ ही साथ वो स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार का तकलीफ हुआ हो तो उसका वो इलाज करा सकते हैं। आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह शिव भक्तों का तांता जो है, जलार्पण का तांता, वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। वो अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर अर्घा में जलार्पण कर रहे हैं, और ये अर्घा के माध्यम से ये जल जो है डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ, बाबा गरीबनाथ मंदिर के भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर वो हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट दर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से LED की व्यवस्था की गई है, ताकि जो भक्त जलार्पण कर रहे हैं उनका जल जो है डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जा रहा है, उनका जलार्पण हो रहा है। इससे भक्त में काफ़ी खुशी भी हो रही है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इस जलार्पण कर अपने भक्त संतुष्ट हो रहे हैं। इस गरीबनाथ मंदिर के बारे में मैं एक बात बता दूं कि इसे मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो भक्त श्रद्धा के साथ जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी मनोकामना रखते हैं, और यहाँ पर जलार्पण करने के बाद उनकी इच्छा पूर्ण होती है। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, न्यूज बायस्कोप। पूर्व की वक्ताओं ने ठीक कहा कि देवघर आज झारखंड में है तो बिहार में जो मेरा केंद्र है आज उत्तर बिहार में बाबा गरीबनाथ के यहाँ जो 75 किलोमीटर का सफर आस्था के महामंत्र को लेकर जपते हुए हम आते हैं, वह आस्था का केंद्र बिंदु से आज हमारी मन की पवित्रता, तन की शुद्धता, सामाजिक सद्भाव का वातावरण और एक नए उत्साह, उमंग, सकारात्मक ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, और ये माहौल समाज के सहयोग से होता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन जब स्थानीय सहयोग मिलता है तो ये सफल ही नहीं होता है, लोगों को यादगार बना देता है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग यादगार बना दें, क्योंकि ये 2024 बड़ा ही महत्व का वर्ष है, और अब हमारी जो सफर शुरू हुई है वो आज़ादी के 75 वर्ष के पार की सफर शुरू हुई है। ये अमृतकाल वेला है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, और आज़ादी का शताब्दी वर्ष के पथ पर हम अपने भगवान भोलेनाथ, जो अपने लिए कुछ नहीं औरों के लिए सब कुछ वरदान देते हैं, ऐसे गुरुओं के महागुरु और देवों के महादेव की आस्था में हम जो डुबकी लगाने जा रहे हैं, इसमें हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं सहयोग और भागीदारी, समाज के प्रति समर्पण का भाव हो। दिनेश बाबू ने ठीक कहा
कि हम कई शिविर चलाते हैं, कई लोगों को सहयोग करते हैं, ये भावना कहीं ना कहीं सबके तरफ से दिखाई पड़े और ये भावना स्वेच्छा से होती है, शासन प्रशासन या सामाजिक दबाव से नहीं। तो इस तरह के लेकिन जो भी हम करें ये समाज के अंदर सामाजिक सद्भाव भराए, शांति लाए और आपस में सनातन के संतानों के मन के अंदर वह पवित्रता और शुद्धता, जन कल्याण का, वसुधैव कुटुंबकम के भाव का वातावरण बनाए। हम तो पूर्व की वक्ताओं ने ठीक कहा कि देवघर आज झारखंड में है तो बिहार में जो मेरा केंद्र है आज उत्तर बिहार में बाबा गरीबनाथ के यहाँ जो 75 किलोमीटर का सफर आस्था के महामंत्र को लेकर जपते हुए हम आते हैं, वह आस्था का केंद्र बिंदु से आज हमारी मन की पवित्रता, तन की शुद्धता, सामाजिक सद्भाव का वातावरण और एक नए उत्साह, उमंग, सकारात्मक ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं और ये माहौल समाज के सहयोग से होता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन जब स्थानीय सहयोग मिलता है तो ये सफल ही नहीं होता है, लोगों को यादगार बना देता है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग यादगार बना दें, क्योंकि ये 2024 बड़ा ही महत्व का वर्ष है और अब हमारी जो सफर शुरू हुई है वो आज़ादी के 75 वर्ष के पार की सफर शुरू हुई है। ये अमृतकाल वेला है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और आज़ादी का शताब्दी वर्ष के पथ पर हम अपने भगवान भोलेनाथ, जो अपने लिए कुछ नहीं औरों के लिए सब कुछ वरदान देते हैं, ऐसे गुरुओं के महागुरु और देवों के महादेव की आस्था में हम जो डुबकी लगाने जा रहे हैं, इसमें हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं सहयोग और भागीदारी, समाज के प्रति समर्पण का भाव हो। दिनेश बाबू ने ठीक कहा कि हम कई शिविर चलाते हैं, कई लोगों को सहयोग करते हैं, ये भावना कहीं ना कहीं सबके तरफ से दिखाई पड़े और ये भावना स्वेच्छा से होती है, शासन प्रशासन या सामाजिक दबाव से नहीं। तो इस तरह के लेकिन जो भी हम करें ये समाज के अंदर सामाजिक सद्भाव भराए, शांति लाए और आपस में सनातन के संतानों के मन के अंदर वह पवित्रता और शुद्धता, जन कल्याण का, वसुधैव कुटुंबकम के भाव का वातावरण बनाए। हम तो कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।